महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 52वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री तथा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह द्वारा सेंटाक्रूज पूर्व के कालीना परिसर में स्थित भीम छाया संस्कृति केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को 52 ट्राईसाइकिल, 52 सिलाई मशीन तथा 52 हियरिंग वितरण किया गया। इस दौरान समाज सेवक और बीजेपी नेता राम कुमार पाल उपस्थित रहे, जिनके हाथों आए हुए जरूरतमंदों को सिलाई मशीन और सामान वितरण किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कोई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था राम कुमार पाल और लोगों का, देखे मुंबई से खास रिपोर्ट। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र आणि त्यांचे अखिलेश चौबे या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आपल्या विभागातील गरजू जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी कानाची मशीन सुनीता सूर्यवंशी आई घ्या। कलिना विधानसभा के अध्यक्ष चंद्रकांत मोरे जी, इनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके साथ इस मंच पर उपस्थित राम कुमार पाल जी, संतोष कुमार पांडे, पंकज। ये आत्मनिर्भर के लिए एक योजना थी और जब हमारे सुपर सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर कृपाशंकर जी अपनी सोच और अपनी सेवा आप लोगों को भी देने का प्रयास किए हैं। और देखिए घोषणा पार्टी और कर्म पार्टी में क्या अंतर होता है। आज ये 15 दिन की सरकार में 50 लाख करोड़ का एक फ्लाईओवर ब्रिज मंत्रालय से वैसे ही पास हुआ है। 1 लाख करोड़ का आपका जो दिल्ली हाईवे था वो पास हो गया गडकरी के नेतृत्व में। और किसानों को 50,000 रुपया बाढ़ पीड़ित ने मिला और ये भी आप लोगों को सेवाएं मिलने वाली है। और इस सरकार का एक ही ध्येय, वे आर ए कारशेड को जानबूझ के रोका गया था, पहले ही सीएम ने बैठते उस योजना का मंजूरी दी है। और इसी बात को आज अधिक ज़्यादा पवार विरोधी पक्ष है, लेकिन कहना चाहूँगा उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा था और जितना लेट होता उतना साल का नुकसान देश का होता। ये जो अरे कारशेड रोकने का काम था सिर्फ उद्धव जी की जीत के कारण हुआ, जबकि उसका 70% काम हो चुका है। आरे कारशेड कितना ज़रूरी है मेट्रो के लिए, आज नाम मात्र के लिए आरे से दहीसर चालू किया, कितने लोग को लाभ मिल रहा है। क्या बांद्रा से दहीसर के लोग नहीं हैं, अंधेरी से लोग नहीं हैं? ये सोच का फर्क है। और सारी योजनाओं को उन्होंने रोका था, उस सारी योजनाओं को आज फिर गति मिल रही है। और वो सारी योजनाएं सड़क विकास मेट्रो ये मुख्य ध्येय है इस सरकार का, आप जनता जनार्दन के लिए। सर द्रौपदी मुर्मू जी को कल राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जी बहुत बहुत बधाई देते हैं, लेकिन आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इस 8 साल में किसको राष्ट्रपति पदक मिला है, पद्मश्री मिला है, वो भी देखना चाहिए। पहले किसको मिलता था? शबाना आजमी, जावेद अख्तर, इन लोगों को मिलता था जो लोक संपन्न है। लेकिन इस वक्त पद्मश्री राष्ट्रपति पदक जिसको लिंग में राष्ट्रपति पद पहली बार आदिवासी महिला को मिला है। तो हमारी सोच और पार्टी की सोच कहाँ है? जमीन के लोगों को ऊपर लाना, जमीन के लोगों को देना। आप इसकी सोच और आप लोग इसका एक मंथन करिए कि 8 सालों में किन किन लोगों को राष्ट्रपति पदक, राष्ट्रपति सम्मान, अवार्ड्स मिले हैं, तो किस तरह के लोग हैं, कितने अंदर के लोग हैं जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता, उनको राष्ट्रपति पद्मश्री मिला है। सर उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने चुनाव करने से मना कर दिया, आप उसको किस देखेंगे? वो जातिवाद के चलते हैं, हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसीलिए ये कार्य करते हैं।
ये लोग अपनी जातिवाद परिवारवाद पे चलाना चाहते हैं पार्टी, उसी से बचना चाहिए जनता को। परिवारवाद सबसे बड़ा भयानक है। परिवारवाद का रिजल्ट आपने श्रीलंका में देख लीजिए, एक ही परिवार के सब कुछ था, उसका क्या हुआ है ये आप देखिए। तो कार्यक्रम आज से लेके आने वाला, अभी कृपा शंकर जी का बर्थडे है, जन्मदिन है 31 तारीख को, तब तक जो भी गरजू लोग आएंगे उनको हम देने वाले, हमारे जो सांसद है पूनम भाई महाजन, उनके मार्गदर्शन से ऐसा सब काम, सेवा का काम चालू रहे।